हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टिश्यूज़ के बारे में ये टॉपिक इलेवंथ के लिए भी और नीट के लिए भी दोनों तरह से ही इम्पोर्टेंट हैं इसके बाद एनिमल टिश्यूज़ डिस्कस करने के बाद हम प्लांट टिश्यूज़ भी डिस्कस करेंगे लेट्स गेट स्टार्टेड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये सेलुलर लेवल होता है टिश्यू लेवल होता है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल का सेल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट हो सकता है तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात करेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में सेलुलर बेसिस है वो हम अल, अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम ऑर्गन ऑर्गेनाइज ऑर्गन organ, जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी डिस्कस करेंगे तो अगर हम एनिमल टिश्यू की बात करें तो टिश्यू क्या होता है सबसे फर्स्टली तो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो कि कोऑर्डिनेटली फंक्शन परफॉर्म करता है तो एनिमल टिश्यूज़ की अगर हम बात करें एनिमल टिश्यूज़ जो है फर्दर फोर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होता है एपीथीलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू एप्पीथीलियल एपी यानी कि आउटर जो होगा अपर सरफेस पे जो प्रेजेंट होगा यानी कि जो आउटर कवरिंग होगी बॉडी की वो क्या होगी एप्पीथीलियल टिश्यू जिसको हम एपिथीलियम भी बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू जो कि कनेक्ट करके रखेगा मस्कुलर टिश्यू जो कि मसल्स के अंदर प्रेजेंट होगा एंड नर्वस टिश्यू जो कि नर्व जो नर्व फाइबर्स फॉर्म करेगा या फिर जो भी कोऑर्डिनेशन है बॉडी का वो परफॉर्म करेगा तो फर्स्ट बात करते हैं हम एपीथीलियल टिश्यूज़ की एपीथीलियल टिश्यूज़ दो कैटेगरीज के, के अंदर डिवाइड होते हैं सिंपल एपीथीलियम एंड स्ट्रीटिड एपीथीलियम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो है वो फर्दर चार क्लासेस के अंदर चार टाइप्स के अंदर डिवाइड होता है कॉलमुलर एपीथीलियम स्केमस एपीथीलियम क्यूबोडल एंड सीलिएटेड एपिथेलियम। वन बाई वन हम इनको डिस्कस करेंगे कौन सा टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं और ये कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है नेक्स्ट इज द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू फर्दर थ्री कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होता है लूज कनेक्टिव टिशू डेंस कनेक्टिव टिशू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिशू जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिशू है वो फर्दर तीन टाइप्स के अंदर डिवाइड होता है जिसके अंदर ब्लड बोन्स एंड कार्टिलेजेज आते हैं मॉस्कुलर टिश्यू की अगर हम बात करें ये तीन टाइप्स के अंदर डिवाइड होता है स्ट्रेटिड मसल्स स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल्स एंड जो नर्वस टिश्यूज है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं नर्व फाइबर्स और न्यूरोन्स तो वन बाई वन हम इन टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे सबसे फर्स्ट हम चलेंगे एप्पीथीलियल टिश्यू के बारे में तो जो एपीथीलियल टिश्यू है जिसको हम एपीथीलियम भी बोलते हैं आउटर कवरिंग ऑफ द स्किन एंड लाइन्स द बॉडी कैटी बॉडी कैिटी को लाइन करेगा और ये क्या है आउटर कवरिंग है स्किन की स्किन के बाहर जो प्रजेंट होता है वो क्या होगा एपिथीलियम या फिर एपीथीलियम टिश्यू होगा जैसे कि हमारी स्किन होगी वो भी क्या है एपीथीलियम टिश्यू है फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट्स जो ये अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेन सिस्टम होते हैं जैसे कि रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव रिप्रोडक्टिव एक्सट्रेट एक्सक्रीटरी ट्रेट्स जो होते हैं उनकी जो लाइनिंग होती है उनको भी एप्पीथीलियल टिश्यू ही फॉर्म करता है सेल्स जो हैं इसकी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है अगर हम सेल्स की बात करें ये कॉम्पैक्टली अरेंज है विद लिटिल in, जो इंटर सेलर स्पेस है बहुत कम है यहाँ पे इंटर सेलर यानि कि सेल के दो सेल के बीच का स्पेस तो एक सेल अगर हम इसको कंसीडर करें नेक्स्ट ये हो गई और इनके बीच का जो इंटर सेलर स्पेस है वो बहुत ही कम होता है तो ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है फंक्शन क्या होगा इसका एबजॉपन सिक्रीशन एक्सक्रीशन फिल्ट्रेशन डिफ्यूजन एंड सेंसरी रिसेप्शन में ये वर्क करता है कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब करनी है इसको तो ये एब्जॉर्बसन का फंक्शन परफॉर्म करेगा कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होंगी जो किसी क्रीशन में हेल्प करेंगी एक्सक्रीशन में भी ये हेल्प करता है जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जनरल बॉडी सरफेस जो होता है उसे एक्सक्रीशन करते हैं उससे एब्जॉर्प्शन करते हैं तो या फिर डिफ्यूज़न करते हैं तो उसमें क्या होता है ये जो सरफेस है ये उसमें हेल्प करता है फिल्ट्रेशन में भी ये हेल्प करता है इन सेंसरी रिसेप्शन यानी कि ये एपिथेलियल टिश्यू हो गया फिर एपिथेलियम हो गया इसके ऊपर कुछ सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे जो जो भी बाहर से जो भी वहाँ पे मॉलिक्यूल आएगा उसको ये क्या करेंगे रिसीव करेंगे तो ये सेंसरी रिसेप्शन में भी हेल्प करता है तो ये एपीथीलियल टिश्यू है या फिर एपीथीलियम है एपीथीलियल टिश्यू है इसके बाद दो क्लासेस के अंदर दो टाइप्स के अंदर डिवाइड होता है फर्स्ट होता है सिंपल एपिथीलियम एंड सेकंड होता है कंपाउंड एपिथीलियम। सिंपल है तो ये सिंगल लेयर सेल्स का बना होता है अगर हम सिंपल की बात करें कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स इसके अंदर सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जनरली फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटीज और ऑर्गन्स इवन डक्ट्स एंड ट्यूब्स ये इन जगह पे या फिर इन लोकेशन पे प्रेजेंट होता है लाइक like, लाइनिंग जो होती है बॉडी कैविटीज़ की वहाँ पे प्रेजेंट होगा या फिर ऑर्गन्स की और डक्ट्स हो गई ट्यूब्स हो गई उनकी लाइनिंग पे भी उनके सरफेस पे भी सिंपल एपिथीलियम जो टिश्यू है वो प्रेजेंट होता है अगर नेक्स्ट हम कंपाउंड एपिथीलियम की बात करें तो कंपाउंड एपिथीलियम के अंदर ये कंपाउंड होगा यानी कि मोर देन वन या फिर हम बोल सकते हैं कंसिस्ट ऑफ टू और मोर लेयर्स ऑफ सेल्स इसके अंदर टू और दो से टू से ज़्यादा इसके अंदर लेयर्स प्रेजेंट होती है सेल की दे फॉर्म स्ट्रेटिफाइड लेयर ये क्या करते हैं ऐसे स्ट्रेटिफाइड लेयर फॉर्म करते हैं यानी कि दो तीन चार जितनी भी लेयर्स होंगी वो ऐसे स्ट्रेटा में प्रेजेंट होगी वन बाई वन वो प्रेजेंट होगी इन द स्किन दे हैव अ प्रोटेक्टिव फंक्शन प्रोटेक्शन करेंगे स्किन के अंदर डू नॉट हैव मच अ रोल इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन यानी कि होता तो है रोल लेकिन क्या होता है लिमिटेड रोल होता है बिल्कुल इनके अंदर क्या होता है एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन के अंदर लिमिटेड रोल होता है फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस जो भी मैकेनिकल या फिर कोई केमिकल आता है बाहर से उसके लिए स्ट्रेस उसके लिए जो स्ट्रेस आएगा उसके लिए बॉडी को प्रोटेक्ट करती है फाउंड ऑन द ड्राई सरफेसिस ऑफ द स्किन जो स्किन की ड्राई सरफेसिस है बकल कैविटी फैरिंग्स लाइनिंग ऑफ स्लेवरी ग्लैंड डक्ट्स पेनक्रिएटिक डक्ट्स डक्ट्स वहाँ पे भी इन जगह पे भी ये प्रजेंट होता है तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम बात करें सिंगल लेयर का बना होगा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो मोर देन टू और मोर देन टू लेयर्स का बना होगा ये स्ट्रेटिफाइड लेयर फॉर्म करता है ये लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज एंड ऑर्गन्स या फिर डक्ट्स या फिर ट्यूब्स के लाइनिंग के ऊपर प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है ये ड्राई सरफेसिस जैसे कि स्किन बकल कैविटी फेरिंग्स लाइनिंग ऑफ सेलेवरी ग्लैंड डक्ट्स और पेनक्रेटिक डक्ट्स इनको लाइन करता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम बात करें नेक्स्ट सिंपल एपीथीलियल ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल यानी कि जो सेल्स इसके अंदर सिंपल एपिथेलियल के टिश्यू के अंदर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है अब उनके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होगी और ये स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन शेप के अंदर हो सकती है साइज के अंदर हो सकती है या फिर उनके अरेंजमेंट के अंदर हो सकती है कि सेल का अरेंजमेंट कैसे है उसके बेस के ऊपर इनको तीन टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है स्केमस क्यूबोडल एंड कोलमुलर एपीथीलियम तो सबसे फर्स्ट इज है स्केमस एपिथीलियम। स्केमस एपिथीलियम के अंदर क्या होगा थिन फ्लैट सेल्स होती हैं क्लोजली पैक्ड होती हैं ये दूसरे से क्या है क्लोजली पैक्ड हैं बिल्कुल विद इरेगुलर बाउंड्रीज और इनकी बाउंड्रीज भी क्या है इरेगुलर है कोई रेगुलर बाउंड्री नहीं है कोई कहीं से है कोई कहीं से इरेगुलर बाउंड्री इनके अंदर प्रजेंट होती है Schemus epithelial says lines the cavity of the mouth, esophagus, alveoli, blood vessels and air sacs of the lungs. Jo bhi cavities hongi mouth ki, esophagus, alveoli. ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स जो होंगे लंग्स के वहाँ पे स्केमस एपीथीलियम एपिथीलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है अब एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि या तो दे दिया जाएगा कि सिंपल एपिथीलियम टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है या फिर ये पूछ लिया जाएगा लाइक like, ईसोफेगस के अंदर या फिर ब्लड वेसल्स के अंदर या फिर एयर सेक्स ऑफ द लंग्स के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है तो वो कौन सा हो जाएगा स्केमस एपीथीलियम टिश्यू वहाँ पे प्रेजेंट होता है फंक्शन क्या होगा इसका जैसे कि हमने देखा कि एलवलाई वगैरह या फिर जो एयर सेक्स है लंग्स के वहाँ पे प्रेजेंट होता है तो ये डिफ्यूज़न बाउंड्री फॉर्म करता है कि ईजिली जो डिफ्यूज़न है वो हो जाए यहाँ पे जो भी ट्रांसपोर्ट होना है वो हो जाए डिफ्यूज़न की हेल्प से इसके बाद नेक्स्ट टाइप है क्यूबोइडल एपिथीलियम क्यूबोइडल यानी कि इसकी सेल्स जो है क्यूबोइडल होंगी दी सेल्स आर क्यूबोयडल इन शेप क्यूबोडल होती है शेप के अंदर और ये बनी होती है बहुत सारी सिंगल लेड क्यूब लाइक सेल्स की यानी कि हमें पहले ही पता चल गया है कि नाम से ही कि इसकी सेल्स जो है क्यूब लाइक -like है और बहुत सारी क्यूब लाइक सेल्स की ये बनी होती है और ये क्या होती है सिंगल लेड होती है अगेन ये सारी की सारी क्या होती है सिंगल लेर होती है ये यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी जिसके ऊपर ये सिंगल लेयर सिंपल क्यूबोइडल सेल्स की या फिर क्यूबोइडल एपिथीलियम की प्रेजेंट होती है प्रेजेंट इन या फिर फाउंड इन सेलेवरी ग्लैंड ट्यूबलर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रोन इन किडनीज स्वेट ग्लैंड यहाँ पे ये यह प्रेजेंट होती है एपिथीलियम ऑफ पी सी टी यानी कि प्रोक्सिमल कॉनुलेटेटी ट्यूब जो है नेफ्रोन की किडनी के अंदर उसके अंदर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है तो वो भी कहाँ क्या, क्या किसकी बनी होती है क्यूबॉइडल एपिथीलियम टिश्यू की ही बनी होती है ये क्वेश्चन आया भी है कि पीसीटी या फिर क्यूबॉइडल एपिथीलियम टिश्यू जो है किसमें प्रजेंट होता है या फिर पीसीटी जो है नेफ्रोन के वहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है तो ये क्यूबॉइडल एपिथीलियम टिश्यू प्रेजेंट होगा यहाँ पे फंक्शन क्या होगा इंक्लूड एब्जॉर्बशन सीक्रीशन एंड एक्सक्रीशन ये भी अगेन एब्जॉर्बशन में भी हेल्प करेगा सिक्रीशन में भी हेल्प करेगा और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेगा थर्ड टाइप का टिश्यू है कोल्यूमुलर एप्पीथीलियर टिश्यू यानी कि कोल्यूमुलर एपीथीलियम इसके अंदर क्या होगा अब सिंगल लेयर टाल एंड सिलेंडर सेल्स की होती है ये सिंगल लेयर होती है और टाल एंड सिलेंडर सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस न्यूक्लियाई जो है सबकी वो बेस की साइड लोकेटेड है नीचे की तरफ प्रेजेंट है यानी ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी ये बेस की तरफ प्रेजेंट है फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई ये यहाँ पे फ्री सरफेस जो है इसका साइड तो ये बेसमेंट से अटैच है और जो फ्री सरफेस है उसके ऊपर क्या है माइक्रोविलाई प्रेजेंट है ये विलाई होगी और इसके अंदर भी और ज्यादा फाइन यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोसेसेस प्रेजेंट हो तो वो माइक्रोविलाई तो -like यहाँ पे प्रेजेंट होगी फंक्शन क्या होगा इसका इसके अलावा कहाँ पे प्रेजेंट होंगी ये लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन जो भी लाइनिंग होगी स्टमक की एंड इंटेस्टाइन की वहाँ पे प्रेजेंट होगी जैसे कि इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है या फिर सिक्रेशन या फिर वहाँ पे डाइजेशन होता है तो जो एब्जॉर्प्शन होता है उसके अंदर ये माइक्रोविलाई क्या करेंगी हेल्प करेंगी तो ये स्टमक एंड इंटेस्टाइन की लाइनिंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा इसका फंक्शन होगा हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन में भी एंड एब्जॉर्प्शन में भी ये सरफेस हेल्प करेगा क्योंकि माइक्रोविलाई यहाँ पे प्रेजेंट होती है जो कि सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज कर देगी इंक्रीज कर देगी इसके बाद नेक्स्ट है सिलियेटिड एपिथीलियम यानी कि सिलिएटेड एपिथीलियम क्या है एक स्पेशल टाइप का ही टिश्यू है जो कि कोल्यूमुलर एपिथीलियम से बना अब तक हमने तीन क्लासेस तीन टाइप्स देखे थे फर्स्ट था यहाँ पे स्केमस सेकंड था यहाँ पे कॉलूलर एंड थर्ड था यहाँ पे क्यूबोइडल अब सिलिएटेड एपिथीलियम एक स्पेशल टाइप का टिश्यू है जो कि कॉल्यूलर एपिथीलियल टिश्यूज़ की मॉडिफिकेशन से बनता है वेन द कोल्यमुलर एपीथीलियल टिश्यूज हैव सीलिया इनके अंदर जब सीलिया प्रजेंट होते हैं देन दे आर कॉल्ड सीलिएटेड एपीथीलियम ठीक है इसके अंदर क्या है सीलिया प्रजेंट होते हैं जब जो भी कोल्यमर सेल्स हैं अपने आप को मोडिफाई कर देती है उनके अंदर सीलियाज प्रजेंट हो जाते हैं तो इन सीलिया प्रजेंट होने की वजह से इनको सीलिएटेड एपीथीलियम टिश्यू बोला जाता है रिदमेटिक मोमेंट ऑफ द सीलिया हेल्प इन द मोमेंट ऑफ मटीरियल इन वन डायरेक्शन अब ये जो सीलिया है वो क्या करेंगे जो अपनी मूवमेंट है वो ऐसे एक डायरेक्शन के अंदर करेंगे और जो भी यहाँ पे मूवमेंट इस डायरेक्शन के अंदर होगी तो जो भी फूड मटेरियल होगा या फिर जो भी मटेरियल होगा वेस्ट हो सकता है फूड हो सकता है वो क्या होगा एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा तो ये रिदमेटिक मूवमेंट शो होती है यहाँ पे सीलिया की फाउंड इन द इनर सरफेस ऑफ द ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकीोज़ एंड फेलोपियन ट्यूब्स जो कि होलो ऑर्गन्स होते हैं उनके इनर सर्फेसिज के ऊपर जैसे कि ब्रोंकीोज़ हो गए या फिर फेलोपियन ट्यूब्स होगी वहाँ पर ये प्रजेंट होते हैं फंक्शन क्या होगा इसका टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन क्योंकि इसके सीलिया क्या करेंगे एक डायरेक्शन के अंदर इसकी मूवमेंट करवाएंगे तो ये हेल्प करेंगे स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर कोई भी पार्टिकल को मूव करवाने के लिए अब स्केमस एंड क्यूबॉइडल की भी दो टाइप की मॉडिफिकेशन आती है फर्स्ट है स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथीलियम। यानी कि स्केमस जो एपिथीलियम है वो क्या है स्ट्रेटिफाइड हो गया यहाँ पे। तो इसके अंदर ऐसे layers, ये मैनी लेयर्स में प्रेजेंट होगा अरेंज इन मैनी लेयर्स जैसे कि लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस ये प्रेजेंट होगा जो ईसोफेगस की लाइनिंग होती है वहाँ पे सेकेंड टाइप का आता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबोडल एपीथीलीम यानी कि क्यूबोयडल एपिथीलियम और वो स्ट्रेटिफाइड हो गया है स्ट्रेटिफाइड हो गया तो ये कई लेयर्स के अंदर अरेंज होगा अरेंज इन मैनी लेयर्स और ये प्रेजेंट होता है सेट ग्लैंडस के अंदर तो ये स्ट्रेटिफाइड स्केमस एंड कोल्यूमुलर एपिथीलियम है नेक्स्ट है एक अलग टाइप की मॉडिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथीलियम ग्लैंडुलर एपिथीलियम के अंदर क्या होगा जो कोल्यूमुलर एंड क्यूबोडल सेल्स है वो स्पेशलाइज्ड हो जाती है सिक्रीशन के लिए ग्लैंडलर वर्ड ही है कि यहाँ पे ग्लैंड हो गए ग्लैंड का काम है सिक्रिशन करने का तो जो कोल्यूलर और क्यूबोइडल सेल्स है वो स्पेशलाइज हो जाती है सिक्रिशन के लिए और वो सिक्रिशन का, का काम करना स्टार्ट कर देती है वो सिक्रीट करना स्टार्ट कर देती है तो ये मोडिफाइड कोल्यूलर एपिथेलियल टिश्यूज़ होती हैं लार्ज सेल्स होती है दैट प्रेजेंट इन द टीयर ग्लैंड्स जो टीयर ग्लैंड्स होंगी या फिर स्वेट ग्लैंड्स होगी जो भी ग्लैंड्स होती हैं जो कि सिक्रीशन का काम करेंगी उनके अंदर ये प्रेजेंट होगी मेन फंक्शन क्या है इनका सिक्रीशन का ये सिक्रीशन करेगी जैसे कि यहाँ पे ये एपिथीलियम टिश्यू था ये ऐसे एपिथीलियम टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट था अब यहाँ पे क्या हुआ एक ग्लैंड फॉर्म हो गई यहाँ पे और ये क्या है ये इसके अंदर बहुत सारे सिक्रेटरी यूनिट्स प्रेजेंट है ये ग्लैंडुलर एपिथीलियम फॉर्म हो गया है और ये क्या करेगा यहाँ पे सिक्रेशन करेगा ग्लैंडुलर एपिथीलियम भी दो टाइप का होता है जिसके अंदर दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होंगी या तो यूनियन सेलर सेल प्रेजेंट हो सकती है या फिर वो मल्टी सेलुलर सेल प्रेजेंट हो सकती है यूनि यानी कि सिंगल, सिंगल सेल बनी होगी और सिंगल सेल क्या करेगी सिक्रेशन करेगी मल्टी यानी कि कई सारी सेल्स मिलकर सीक्रेशन का काम करेगी तो यूनिसेलर के अंदर क्या होता है कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स यानी कि आइसोलेटेड यानी कि सिंगल सेल यहाँ पे प्रेजेंट होगी जैसे कि गोबलेट सेल के अंदर होता है यहाँ पे अगर हम देखें तो ये यह यूनिसेलर यहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट होती है ये यूनिसेलर ग्लैंड प्रेजेंट है यहाँ पर तो ये सिक्रेशन करेगी ये सारी ऐसे यूनिसेलर ग्लैंड प्रेजेंट है मल्टी के अंदर क्या होगा यहाँ पे प्रेजेंट होती है कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्चर ऑफ सेल्स कई सारी सेल्स प्रेजेंट होती क्लस्टर प्रेजेंट होता है जैसे कि सिलेवरी ग्लैंड होती है सिलेवरी ग्लैंड के अंदर क्या होता है थ्री पेयर्स ऑफ सब ग्लैंड प्रेजेंट होती पैरोटिड पैरोटिड प्रेजेंट होती है सब मैग मैग्लर और सब मैंडिबुलर तो ये थ्री सब टाइप्स की ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे तो अगर हम यहाँ पे मल्टी सेलर ग्लैंड की बात करें तो ये यहाँ पे कई सारी ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये मल्टी सेलर ग्लैंडस से होते हैं इसके अंदर सेलेवरी ग्लैंड का एग्जाम्पल आ जाएगा इसके बाद जो ग्लैंडुलर एपीथीलियम है उसके अंदर फर्दर क्या होगा फर्दर जो इनका आ, सीक्रीशन का या फिर जो भी सीक्रीशन कर रही है उनके पोर जो मोड ऑफ पोरिंग है कैसे वो सिक्रेशन करती है कहाँ से वो बाहर से कर रही है या फिर अंदर से कर रही है उसके बेस पे इनको एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर डिवाइड किया जाता है इनके सिक्रीशन के बेसिस पे एक्सोक्राइन क्राइन एंड एंडोक्राइन एंडो यानी कि इनसाइड होगा एक्सो हमें पता चल रहा है कि वो आउटसाइड होगा तो एंडोक्राइन के अंदर क्या होता है डो नॉट हैव डक्ट्स इनके अंदर कोई डक्ट प्रजेंट नहीं होती है देअर प्रोडक्ट्स काल्ड हॉर्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंडस जो होंगी वो हॉर्मोन्स सिक्रीट करेंगी और ये हॉर्मोन क्या होगा डायरेक्टली सिक्रीट किया जाएगा फ्लूड के अंदर बेदिंग द ग्लैंड और ये ब्लड के अंदर चला जाता है ये फ्लूड ब्लड होता है ब्लड से वो जहाँ भी इसको टारगेट टिश्यू है उसके पास पहुँच जाता है इसके बाद अगर हम एग्जोक्राइन ग्लैंड की बात करें एक्जोक्राइन ग्लैंड के अंदर क्या होगा सिक्रीट म्यूकस स्लाइवा ईयरवैक्स और ऑयल मिल्क डाइजेस्टिव एंजाम्स एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक्जोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती है जैसे कि म्यूकस हो गया स्लाइवा ईयरवैक्स ऑयल मिल्क डाइजेस्टिव एंजाइम्स और कुछ सेल प्रोडक्ट्स हो गए ये सारे क्या हैं हमें बाहर से ही नज़र आते हैं कि यानी कि बाहर सिक्रीट होते हैं ना कि इन साइड द बॉडी जैसे ईयर वैक्स हो गया वो ईयर के अंदर सिक्रीट होगा तो या फिर म्यूकस हो गया स्लाइवा हो गया वो क्या है बाहर की तरफ सिक्रीट हो रहा है तो इनके अंदर क्या होता है दीज प्रोडक्ट्स आर रिलीज थ्रू द डक्ट्स और ट्यूब्स ये डक्ट्स एंड ट्यूब्स के थ्रू रिलीज किए जाते हैं बाहर की तरफ रिलीज किए जाएंगे ये ट्यूब्स एंड डक्ट्स तो इसके अंदर कोई डक्ट्स एंड ट्यूब्स प्रेजेंट नहीं थी यहाँ पे डक्ट्स एंड ट्यूब्स प्रेजेंट होती है यही मेन डिफरेंस होता है एक्जोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड का कि इनके अंदर डक्ट्स नहीं होती और इनके अंदर डक्ट्स प्रेजेंट होती है फिर ट्यूब्स जो है प्रेजेंट होती है ये एंडोक्राइन ग्लैंड होगी एक्जोक्राइन ग्लैंड होगी एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर ये एंडोक्राइन टिश्यू है यहाँ पे ये ब्लड के अंदर सीधी सिक्रिशन अपनी भेज देगी और ये जहाँ भी टारगेट टिश्यू होगा वहाँ पे चला जाएगा जो भी सीक्रेशन है या फिर हार्मोन है एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर क्या होगा ये यहाँ पे सिक्रेटरी टिश्यू प्रेजेंट है यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट है एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करेगी यहाँ पे सीक्रेशन करेगी और ये सीक्रेशन डक्ट्स के थ्रू क्या होगा बाहर आएगा डक्ट्स के थ्रू रिलीज होगा इसके बाद नेक्स्ट आता है कंपाउंड टिश्यू सिंपल टिश्यू हमने पढ़ लिया इसके बाद है कंपाउंड टिश्यू कंपाउंड टिश्यू के अंदर क्या होगा मेड ऑफ मेड ऑफ मोर देन वन लेयर या फिर मल्टी लेर्ड ऑफ द सेल दस हैव अ लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन इसके अंदर लिमिटेड रोल होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन के अंदर और ये मल्टी लेड होती है ना कि सिंगल लेयर अब तक हमारी सिंपल में सिंगल लेयर चला था यहाँ पर मल्टी लेर्ड सेल्स प्रेजेंट होती है दे कवर ड्राई सर्फेसिज ऑफ द स्किन मोइ सर्फेसिज ऑफ द बक्ल कैविटी फेरिंग्स इनर लाइनिंग ऑफ द डट्स ऑफ द सेलेवरी ग्लैंड एंड पेनक्रिएटिक डक्ट्स ये लोकेशन है जहाँ पर यह प्रजेंट होता है फंक्शन क्या होगा इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैमिकल एंड मकेनिकल स्ट्रेस जो भी केमिकल और मकेनिकल स्ट्रेस होगा उसके लिए ये बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखेगा बॉडी को सेफ रखेगा इसके बाद सेल जंक्शंस आते हैं जंक्शंस क्या होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक जो होता है सेल्स के बीच में वो प्रोवाइड कराते हैं कि स्ट्रक्चर का है या फिर फंक्शन का जो लिंक है सेल्स के बीच में जो प्रेजेंट होता है उनको सेल जंक्शंस बोलते हैं सेल जंक्शंस के ऊपर एक वीडियो है जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो जंक्संस है मेनली हम एक ब्रीफ यहाँ पे डिस्कशन करेंगे जिसके अंदर गैप जंक्शन होता है एडहेरिंग जंक्शन होता है या फिर टाइट जंक्शन तीन टाइप के जंक्शन प्रेजेंट होंगे सबसे फर्स्ट अगर हम गैप जंक्शन की बात करें नाम से पता चल रहा है गैप होगा यहाँ पे तो इसके अंदर क्या होता है ये एक सेल हो गई यहाँ पे इस साइड ये एक सेल है और ये दूसरी साइड सेल है और ये इसका क्या है फर्स्ट सेल का साइटोप्लाज्म है ये सेकंड सेल का साइटोप्लाज्म है तो ये बेसिकली क्या करता है कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये ट्यूब क्या करती है यहाँ पे इनको कोनेक्ज़ोन्स बोला जाता है ये जो कॉनैक्जोन्स है वो एक ब्रिज फॉर्म करती है एक गैप फॉर्म करती है जो इसके जो फर्स्ट सेल का साइटोप्लाज्म प्लाज्म है सेकेंड सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करती है या फिर हम बोल सकते हैं जो एडजॉइनिंग सेल्स हैं उनके या फिर एडजस्टेंड सेल्स जो हैं उनके साइटोप्लाज्म को ये कनेक्ट करती है तो जो भी यहाँ से फ्लो होगा या फिर जो भी यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना है वो ईज़िली ट्रांसपोर्ट हो सकता है सेकेंड है एडहेरिंग जंक्शन एडहेरिंग जंक्शन के अंदर क्या होता है ये नेबरिंग सेल्स को कनेक्ट करके रखती है या फिर ये सीमेंटिंग करती है इन सेल्स की सीमेंटिंग करेगी और किसकी हेल्प से करेगी यहाँ पे फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं इनकी आपस में सीमेंटिंग कर देंगी और यहाँ पे कैडरिन प्रेजेंट होता है नंबर थर्ड है टाइट जंक्शन टाइट क्या कर क्या होगा इसके अंदर टाइटली ये होल्ड करके रखेगा सेल्स को और यहाँ पे कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं जो इसको जंक्शन को सील करते हैं तो ये सब्सटेंसेस को लीकेज के लिए या फिर एक्स्ट्रा लीकेज ना हो उसके लिए स्टॉप करता है तो ये एक ब्रीफ रिव्यू है या फिर ब्रीफ डिस्कशन है सेल जंक्शन का डिटेल में वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर अवेलेबल है इसके बाद कुछ क्वेश्चन डील कर लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं जैसे कि क्यूबोइडल एपिथीलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई कहाँ प्रेजेंट होता है ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई कहाँ प्रेजेंट होता है लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन के अंदर डक्ट्स ऑफ सेलेवरी ग्लैंड के अंदर या फिर प्रोगिमल कॉनुलेटेटि ट्यूब ऑफ नैफ्रोन के अंदर या फिर यूस्टेकिन ट्यूब्स के अंदर तो ये प्रेजेंट होता है नंबर थर्ड ऑप्शन होगा इसका प्रोग्जिमल कॉनुलेटेटिड ट्यूब यानी कि वहाँ पर क्यूबोइडल एपिथीलियम प्रजेंट होता है नेक्स्ट इज द गोबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम कहाँ से मोडिफाइड होती हैं गोब्लेट सेल्स ये स्केमस एपिथीलियम सेल्स से या फिर कोल्यूलर एपिथीलियम सेल से कॉन्ड्रोसाइट्स से या फिर कंपाउंड एपिथीलियल सेल्स से तो इसके अंदर ये तो बिल्कुल अलग ही ऑप्शन है कोंड्रोसाइट्स ये तीन जो है मेन एपीथीलियल टिश्यू है इन तीनों में से ही आंसर आएगा तो एक तो हमारा ऐसे ही कट गया है अगर हम राइट uh, आंसर right की करेक्ट आंसर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा कोल्यूमुलर एपीथीलियल सेल्स इसके बाद है गोबलेट सेल्स क्या होती हैं यानी गोबलेट सेल्स आर यूनीलर म्यूकस ग्लैंड मल्टी सेलर म्यूकस ग्लैंड ग्लैंड ऑफ स्टमक या फिर ट्यूबला एलविलर ग्लैंड या फिर ऑल ऑफ अबाउ तो गोबलेट सेल्स हमने अभी पढ़ा था वो कैसी सेल्स होती हैं यूनीसेलर म्यूकस ग्लैंड होती हैं जो कि सिंगल आइसोलेटेड सेल प्रजेंट होती है नेक्स्ट इज द द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन गैप जंक्शन क्या करता है एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से क्या करता है कनेक्ट करके रखता है तो ऑप्शंस देखते हैं परफॉर्मिंग सीमेंटिंग टू कीपिंग नेबरिंग सेल टुगेदर सीमेंटिंग कौन करता है एडहेरिंग जंक्शन करते हैं फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजॉइनिंग सेल्स बाई कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सम लार्ज मॉलिक्यूल्स तो इसके अंदर एडजोइनिंग सेल्स जो है वो क्या है आपस में कनेक्ट होती है उनका साइटोप्लाज्म कनेक्ट होता है किसके लिए रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस स्मॉल मॉलिक्यूल्स और कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए भी तो राइट right आंसर इसका क्या हो जाएगा सेकेंड या फिर थर्ड ऑप्शन देखें सेपरेट टू सेल्स फ्रॉम ईच अदर दोनों दो सेल्स दो को अलग करती है बिल्कुल रॉन्ग हो गया स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकेज अक्रॉस अ टिश्यू लीकेज के लिए भी ये स्टॉप uh, नहीं करती है क्योंकि लीकेज के लिए क्या होता है टाइट जंक्शन प्रेजेंट होता है गैप जंक्शन के लिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजोइनिंग सेल्स बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सम लार्ज मॉलिक्यूल्स तो इस वीडियो में हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस कर लिया जिसके अंदर सिंपल एपिथेलियम कंपाउंड और स्टेटेड एपिथेलियम कोल्यूमलर स्केमस क्यूबोइडल सिलेटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में डिस्कस किया नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर हम ब्लड लिम ब्लड हो गया या फिर बोन्स होगी या फिर कार्टिलेजिस भी डिस्कस करेंगे वन बाई वन इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच